Please subscribe my channel. Now we have to construct a rhombus, BEST, समचतुर्भुज. ठीक है, BE तो 4.5 है, ET 6 सेंटीमीटर है. रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है, समचतुर्भुज में चारी भुजाएं बराबर होती है. ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तब जाके आप ये कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. तो अब BE जब 4.5 है तो सारी साइड्स कैसी हो जाएंगी, ये भी ES भी 4.5, ST भी 4.5 और BT भी 4.5. और आपको ET दिया हुआ है, E और D, ये तो विकर्ण हो गया, डायगनल हो गया 6 सेंटीमीटर. नाउ ये रफ फिगर था, अब फाइनल फिगर है ना, बना लेते हैं. सबसे पहले हम BE 4.5 ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज अवर BE ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या कर रहे हैं, हम अलग ट्रायंगल बना रहे हैं. तो BT कितना है, 4.5, तो BT भी ओपन कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर. और ये आर्क B से हम कट करेंगे वाला आर्क, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ये ET कहाँ कट होगा. अब ET है 6 सेंटीमीटर का, तो ये 6 सेंटीमीटर ओपन किया और ई पे रखा और यहाँ कट किया. जहाँ भी कट हुआ वहाँ हमें टी पॉइंट ऑब्टेन हो गया. इन्हें कर देते हैं जॉइन, बी से टी को और ई से टी को. ओके, ये तो था 6 सेंटीमीटर एंड ये था आपका 4.5 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट थिंग, टी से एस तक ये 4.5 दिया हुआ है. ठीक है, तो ये 4.5 टी पॉइंट पे रखोगे और ये कट करोगे आप 4.5 का. और ई से भी आपका सेम डिस्टेंस है तो ई से भी ए वाला आग कट कर देंगे 4.5 का. तो ये कट कर दिया, जहाँ भी ये कट हुआ वहाँ पे आपको एस पॉइंट मिल गया बच्चों. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, आपको जॉइन करना है ई और एस को. तो ये ई और एस को जॉइन कर दिया एंड नेक्स्ट थिंग एस और टी को जॉइन करना बाकी है. ये आपने जॉइन कर दिया एस और टी को, तो ये आपके बन गया रोम्बस. रोम्बस में सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड है ना, रोम्बस बी ई एस टी. आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. Thanks for watching.